I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go. I move to the rhythm. Hi guys, I hope आप सब ठीक है। So कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाला फ़ोटो पोस्ट किया था और बहुत लोगों ने सिर्फ मुझसे ये कहा कि तुमने वेट कम कैसे किया है। सो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश में बिगनर्स वेट लॉस सीरीज़ बनाई हुई है और मैं उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बट मैं आज ना आपको डाइट बताने वाली हूँ, ना मैं आपको वर्कआउट बताने वाली हूँ, बट ऐसी बातें रहेगी जो आपको शायद से ऑलरेडी पता है बट स्टिल हम निगलेक्ट कर देते हैं। सो मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है और ख़ुद की एक्सपीरियंस की वजह से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए और कुछ मिसकंसेप्शंस है जो मैं क्लियर करना चाहूँगी। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सब्र रखा करो। हम जब भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक महीने में हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, पर हम काफ़ी टाइम से जंक फूड खा रहे हैं और हमारी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा हेल्दी फूड से। एंड दूसरी बात यह है कि मुझे पता है ट्रेनर्स एंड डाइटिशियंस वेरी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हम इंटरनेट का यूज़ करके हम अपना डाइट खुद बनाते हैं तो वो डाइट हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमें पता नहीं होता। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको टाइम लगता है रिज़ल्ट आने के लिए। जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तब आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। तो मेरे जर्नी के टाइम पे मुझे 2 महीने तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिले थे। उसके बाद में जब मुझे समझ आया मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तब जाके मुझे रिज़ल्ट मिलने लगे। और हम हमेशा 1 महीने के बाद गिव अप कर देते ये सोच के कि हमें रिज़ल्ट ही नहीं आ रहे। इसीलिए कंसिस्टेंसी, रोज़ जिम जाया करो, रोज़ अच्छा खाना खाया करो एंड पेशेंस रखा करो कि हाँ हमें रिज़ल्ट आएगा। पर अगर आपको 1-2 महीने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो पक्का आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कुछ। सेकेंड थिंग इज़ किसी पे डिपेंडेंट ना रहो। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग अपने दोस्तों पे डिपेंड करते हैं, अगर वो जिम जा रहे हैं तो मैं जिम जाऊँगी। ये बात मेरी मॉम के साथ भी होती है। तो उनका एक ग्रुप है जो हमेशा वॉकिंग के लिए सुबह जाता है, पर अगर एक नहीं गया तो कोई नहीं जाता। इसकी वजह से आप किसी पे डिपेंड ना रहो। ये जर्नी आपकी है, आपको अकेले ही लड़ना है इस चीज़ से। और ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ढूंढते रहता है, पर आप किसी और पे डिपेंड कैसे रह सकते हो मोटिवेशन के लिए? वो खुद से आता है। कोई आपको पुश नहीं करने वाला, कोई आपका लेजीनेस नहीं हटाने वाला, आपका आलसपन बेसिकली कोई हटाने नहीं वाला। वो सारी चीज़ें अंदर से आती है। तो इसीलिए प्लीज़ किसी और पे डिपेंडेंट ना रहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए भी, तो उन्हें बता दीजिए कि हाँ मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो शायद से आपको उनके साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। बट अगर अच्छे दोस्त हैं तो वो आपकी हर चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जब तक वो सही है। तो मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे थे। अगर मैं कहीं बाहर जाती थी और मैं उनसे कहती थी नहीं खाना, तो वो बिल्कुल मुझे फोर्स नहीं करते थे और ना मैं कभी किसी पे डिपेंडेंट थी। एक और बात है कि हम ट्रेनर्स पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेनर हायर किया था उसके बाद अकेले वर्कआउट हो ही नहीं पा रहा था, पर धीरे धीरे मैंने अकेले करने की आदत लगा दी। तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, बट स्टिल हम इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और मुझे बहुत सारे DMs आते रहते हैं इंस्टाग्राम पर ये पूछते हुए कि क्या करें हम इस चीज़ का। तो इसीलिए ये 2 पॉइंट्स याद रखिए। थर्ड पॉइंट इज़ हैबिट बनाइए। एक दिन में नहीं होती ये हैबिट कि आप सुबह उठ के वर्कआउट करने चले जाओ। कभी आलस आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बॉडी सोरनेस हो जाता है। तो हैबिट इज़ आदत। अगर आपको किसी चीज़ की लत लग जाती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिम की लत लगा लो, अच्छा खाना खाने की लत लगा लो, और वो काफ़ी टाइम के बाद आता है। तो इसके लिए आपको रोज़ उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। एक बार ज़बरदस्ती का फेज़ जब चला जाएगा 1-2 हफ्ते के बाद, तब वो आदत बन जाएगी। मेरे पास एक पूरा वीडियो है मेरी हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करते हुए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। मेरी हिंदी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसे लाइफस्टाइल बना दीजिए। लाइफस्टाइल इज़ बेसिकली आदत। जब हम जंक फूड खाते हैं, नॉट इवन जंक फूड, अगर हम नॉर्मल फूड भी खाते हैं तो वो भी एक तरीके का आदत हो जाता है हमें कि हाँ, हम दोपहर को 2-3 रोटी खा लेते हैं, रात को 2-3 खा लेते हैं। तो इसी तरीके से हेल्दी फूड की भी आदत लगा दो और वो वक्त के साथ आएगा। इसीलिए मैंने पहले पॉइंट में ही कहा था कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखा करो। तो दूसरी बात है वर्कआउट। अब वर्कआउट के लिए हर कोई जिम प्रेफर नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आप कोई भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, रनिंग, स्विमिंग, कोई भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी। बट हाँ, ऑफकोर्स वेट लिफ्टिंग काफ़ी अच्छा होता है आपके लिए और जिसके बेनिफिट सब लोग बात करते ही रहते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नहीं कर पाते हो तो किसी भी तरीके का एक्सरसाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 घंटा करिए और वो काफ़ी हो जाएगा। और कुछ दिन पहले मुझे ये सवाल आ जाएगा, क्या मेरा वेट बढ़ जाएगा अगर मैं जिम छोड़ दूँगी? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब हम जिम जाते हैं तब हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी होती है, प्लस हम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा वेट गेन नहीं होता, मेंटेन होता है और लॉस हो जाता है बट गेन नहीं होता। बट जैसे ही हम जिम छोड़ देते हैं, हम क्या खा रहे वो नहीं देखते, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे चांसेस है कि आपका वेट बढ़ जाए। इसीलिए हमेशा, इवन अगर आपका वेट लॉस का इंटेंशन नहीं है, फिर भी आधा घंटा एटलीस्ट वर्कआउट करने की कोशिश कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट है डाइट। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि घर का खाना तो हेल्दी होता है, फिर भी हमें सैलड खाने के लिए क्यों बोलते हैं, ये खाने क्यों बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि घर का खाना काफ़ी हेल्दी है, नो डाउट अबाउट इट, बट हम जिस क्वांटिटी में खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक्सेस हो जाता है। लाइक अगर आप दोपहर को 3 फुल्का खाते हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है। इसीलिए हमारी बॉडी को कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और कितना फैट चाहिए, उसके ऊपर हमारा वेट गेन या वेट लॉस डिपेंड होता है। घर का खाना ही खाइए बट क्वांटिटी कम कर लीजिए, पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। लाइक अगर रात को अगर आप लेट खाना खाते हो 9-10 बजे, तो खाना खा के तो आप सोने ही वाले हो, तो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलता फूड, प्लस वो आपके लिए एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाता है क्योंकि आपकी वो एनर्जी जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए हो सके तो उस चीज़ का भी कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वजह से, तो एटलीस्ट खाने का क्वांटिटी कम कर लीजिए। कुछ दिन तक बहुत तकलीफ होगी, भूख लगेगी, दिमाग काम नहीं करेगा, गुस्सा भी आएगा, बट जब एक बार आदत लग जाए तब वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये रहे मेरे टॉप 5 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स शायद आपको पहले से ही पता था, बट हम हमेशा चाहते हैं कि कोई आके हमें वही बातें दोहराए जो हमें पता थी, ताकि हम उसे फॉलो करें, और वही मैंने किया है। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहे और सब्र रखे। सेकेंड थिंग इज़, क्या कहा था, दोस्तों पे डिपेंडेंट ना रहे, दोस्तों पे या किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। थर्ड थिंग इज़, आदत बना दीजिए इस चीज़ की। फोर्थ, वर्कआउट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, और फिफ्थ, डाइट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई भी तरीके का वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो रेगुलरली अपलोड करूँ, जो मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है, पर आई विल ट्राई। Bye.